बंगाल में टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले अत्याचार विश्वासघात का दूसरा नाम टीएमसी सरकार। टीएमसी का मतलब अत्याचार और भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले बंगाल में पहले कमीशन फिर परमिशन स्कीम को स्कैम में बदलने में माहिर है टीएमसी सरकार। टीएमसी का मतलब तू मैं और करप्शन। थोड़ी देर में बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 19 महीने के बाद एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार। बिहार में पीएम मोदी के साथ मंच को साझा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 12 जुलाई 2022 को दिखे थे एक साथ इससे पहले। 7 मार्च को कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। घाटी को दे सकते हैं करोड़ों की सौगात। मनोज सिन्हा ने पीएम के दौरे को लेकर पुष्टि की। अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र त्रिपुरा टीपरा मोथा के बीच समझौता हुआ। अमित शाह बोले हिंसा मुक्त नॉर्थ ईस्ट बनाने में बड़ा कदम। मुद्दों का अध्ययन कर अंजाम तक पहुंचाया। पीएम से मिले शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजुमदार। पीएम ने ट्वीट की मुलाकात की। फोटो सुशासन के एजेंडे पर चर्चा हुई। बेंगलुरु ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। सीएम सिद्धरमैया ने ब्लास्ट वाली जगह का भी दौरा किया। बेंगलुरु ब्लास्ट की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब्त किया धमाके में इस्तेमाल टाइमर। संदिग्ध आरोपी की तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु ब्लास्ट पर गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। कहा आतंक की नर्सरी बनता जा रहा है कर्नाटक। हाथ पर हाथ रखकर बैठी है सरकार। लखनऊ में सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन किया। कहा 2014 से पहले गरीब को राशन मिल पाना मुश्किल था। बिना भेदभाव के अब मिल रहा है लाभ। 5 मार्च को गोवा में नौसेना युद्ध महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। सेना को 3 गुना ज्यादा प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा यह महाविद्यालय। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी अध्यक्ष से राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने की अपील की। कहा क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा जहां गई उनकी जन विश्वास यात्रा आतंक का बना माहौल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन 32 वर्क कागजात बरामद हुए। लखनऊ एयरपोर्ट से 98 लाख का सोना बरामद हुआ। कस्टम ने जब्त किया 1 किलो 533 ग्राम सोना। तंबाकू कारोबारी पर आईटी की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 करोड़ की डायमंड वॉच बरामद। करीब 7 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। 300 करोड़ की कर चोरी का पता चला। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर बनी अवैध मजार ध्वस्त की गई। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उठाया था मुद्दा। नेशनल हाईवे पर बनी थी अवैध मजार। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। 7 से 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरा। बोले गिरती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। साउथ अफ्रीका से पकड़ा गया पीएफआई का मोस्ट वांटेड मोहम्मद गौस नियाजी। एनआईए ने गिरफ्तार किया आरएसएस नेता रुदेश की हत्या का आरोपी था नियाजी। नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को 4 शूटर्स की तलाश है। कपिल सांगवान गैंग के हैं ये सभी शूटर। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी किया गया। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। दुश्मनों की उड़ाएगा यह होश। भारत की आत्मनिर्भर दिशा में एक अहम उपलब्धि। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी के दोस्त की अमेरिका में गोली मारकर हत्या की गई। एक्ट्रेस ने पीएम मोदी से मदद की अपील की। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की समाधि स्थल पहुंचे मिस वर्ल्ड प्रतियोगी। 9 मार्च को मुंबई में होगा ग्रैंड फिनाले।